आज हम बनाएंगे होली स्पेशल लेयर्ड मठरी। मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा, जिसमें हम 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। सूजी से ना मठरी में क्रिस्पीनेस आ जाएगी। और फिर नमक ऐड करेंगे। नमक मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के अनुसार डालना। उसके बाद अजवाइन और कसूरी मेथी डालेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मसल कर डालना है दोनों को। आटे में हम करीब 3 से 4 चम्मच घी मिलाएंगे और आटे को अच्छे से मस लेंगे। थोड़ी देर बाद आटा इतना जब हाथ में बदने लगे तो समझ लीजिए हमारा आटा गूंदने के लिए परफेक्ट है। पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा और आटे को अच्छे से गूंदेंगे। डो हमारा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आटा हमारा गूंद चुका है, अब हम इसे रेस्ट के लिए रखते हैं करीब 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद हम अपने डो में हल्का सा घी लगा लेंगे और एक बड़ी और पतली चपाती बेलेंगे। उसके बाद दोनों साइड्स को कट कर दीजिएगा और लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स बनाइए, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं लेयर्ड मठरी। तो स्ट्रिप्स जब सारी कट हो जाएं तो करीब 3 से 4 स्ट्रिप के एंड्स को अच्छे से चिपका दीजिए। उसके बाद एक साइड से पकड़ के दूसरे साइड से रोल करें और फिर एक साइड से रोल करके एक फ्लावर की शेप दे के लाइए और दूसरे साइड से इसे हल्के हाथों से चिपका दीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमारी लेयर्ड मठरी तैयार है। एक और बार मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम अपनी सारी मठरियों को मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, होली स्पेशल लेयर्ड मठरी बनकर तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा यमी भी हो रही थी।